जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार जीविका के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों जानकारी देने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जिन लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया है या फिर जो लोग इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं। दोस्तों आप यहां पर जैसे ही अनाउंसमेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि बीते कल यानी कि 7 जुलाई को जो एक तो जो भर्ती निकाली थी BRLPS के अंदर और दूसरी थी LSBA के अंदर, जो अभी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है ये LSBA भर्ती से जुड़ी हुई है, यानी कि जो LSBA के अंदर पोस्ट निकाली थी उन कैंडिडेट के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है। आप यहां पर देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए ये लिस्ट जारी की गई है। इसमें जो पोस्ट है वह है स्टेट कंसल्टेंट MLE & MIS, अकाउंटेंट, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट CB & IEC, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट MLE & MIS, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट SL WM, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। इन सभी पोस्ट के लिए आपकी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी गई है और इसी के साथ जितनी भी पोस्ट LSBA के अंदर निकाली थी उन सभी की शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट आ चुकी है, यानी कि इसके बाद किसी भी भर्ती की बिहार जीविका की शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट नहीं आएगी। आप यहाँ पर चेक लिस्ट के ऊपर क्लिक करके जान सकते हो कि आप कौन सी पोस्ट पर पहले तो आपने अप्लाई किया था और फिर जिस भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया था उसके सामने की जो चेक ऑप्शन दिया गया है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के सामने क्लिक करने वाला हूँ और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी PDF फाइल ओपन हो जाएगी। आपको उसमें अपना नाम चेक कर लेना है। अगर आपका नाम यहाँ पर PDF लिस्ट के अंदर है इसका मतलब आप एग्ज़ाम दे पाओगे और आप एग्ज़ाम देने के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है इस पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए वह है 2418 और साथ ही जिन लोगों का नाम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट में नहीं है और उन्होंने अप्लाई किया था तो आप वो लोग नोटिफाई के सामने उसी पोस्ट के क्लिक करके अपना जो आपका रिजेक्शन है उसके बारे में अपील कर सकते हो। और अगर आपकी अपील सबमिट हो जाती है और वो मान लेते हैं तो आपका यहाँ पर नाम दोबारा से आ जाएगा और आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर देना होगा, डेट ऑफ बर्थ देनी होगी, मोबाइल नंबर देना होगा और चेक स्टेटस पर क्लिक करके आपका स्टेटस आ जाएगा और यहाँ पर आपको रीजन भी मिल जाएगा। और नोटिफाई करना है तो आपको नोटिफाई के ऊपर क्लिक करना है। नोटिफाई पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट चूज कर लेनी है, फिर अपना एप्लीकेशन नंबर देना है, अपना नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है और एंटर कमेंट आपको उनको बोल देना है कि हमने हमारे फॉर्म के अंदर पूरी जानकारी है और कोई भी मिस्टेक नहीं है। इसके साथ ही आपका जो फॉर्म सबमिट किया था उसका जो प्रिंट आउट आपने लिया था वो प्रिंट आउट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है ताकि वो उसको चेक कर ले और चेक करने के बाद जाने कि हाँ हमारी तरफ से मिस्टेक हुई है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, और नोटिफाई पर क्लिक कर दे। इसके बाद आपको एक नई लिस्ट देखने को मिल जाएगी या फिर आपका नाम किसी न किसी तरीके से ऐड हो जाएगा, एक नई लिस्ट जारी हो सकती है इस बारे में जिन लोगों का नाम शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट लिस्ट में नहीं है। तो दोस्तों यही वो जानकारी थी। अब आप एग्ज़ाम डेट के बारे में पूछेंगे तो एग्ज़ाम डेट की जो अपडेट मैंने पहली वीडियो में आपको दिया था वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।